वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर पाइथन ट्यूटोरियल में हम फॉर लूप की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें 9th 8 क्वेश्चंस जो कि सम से रिलेटेड हैं, 8 क्वेश्चंस से हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें फर्स्ट 10 नंबर का सिंपल सम चाहिए और फर्स्ट 10 नंबर जो ऑड है उनका सम चाहिए, फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम चाहिए, 1 to 20 में हमारे जो इवन नंबर आते हैं, 1 to 20 में हमारे जो ऑड नंबर आते हैं, उनके हमें यहाँ पर सम को डिस्प्ले कराना। तो 8, 9, 10th हम इस क्वेश्चंस को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पर हम एक एस वेरिएबल को यूज़ करने वाले हैं और एस वेरिएबल में जो भी हम सीक्वेंस लगाएंगे उस वेरिएबल को हमें जोड़ते चले आना है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज, और रेंज में आपको पता ही है हमें पैरामीटर पास करने हैं। इस पैरामीटर में हमने डाल दिया है 1 से लेकर 11, इसका मतलब 1 से लेकर 10, क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर कम तक होता है। और इस आई रेंज में हमारे जो नंबर हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हर एक स्टेप पे हमें इनको सम करते हुए चलना है। और एस वेरिएबल को हमें पहले डिफाइन करना होगा, एस वेरिएबल में हमें ज़ीरो लेना होगा। इस तरीके से पूरा की पूरा जो हमारे एक लूप है, पहले नंबर पे हमें वो जोड़ता हुआ दिखाई देगा, 0 + 1 हमारा सम में हो जाएगा 1, आई में फिर होगा 2, आई में तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होता चला जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इन दोनों का जो सम आएगा वो हमारा इधर की तरफ प्लेस होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जब हम फर्स्ट 10 नंबर का सम करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा 55। अब हम एक प्रोग्राम फाइल बनाएंगे और उस प्रोग्राम फाइल के ज़रिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक पाइथन फाइल को पहले क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एस वेरिएबल में 0 डिफाइन कर लेते हैं और एक लूप चलाते हैं जिसमें रेंज हमने ले ली है 1 से लेकर 11 तक की। कॉलन को हमें यूज़ करना है, हमें सिंपल अगर नंबर का फाइनल सम ही दिखाना है तो यहाँ पर हम वो कंडीशन डाल देते हैं सम की, और लास्ट में प्रिंट मैसेज में वो मैसेज ले लेते हैं सम ऑफ 10 नंबर, और यहाँ पर कोमे के बाद एस वेरिएबल को हमें डिस्प्ले करा देना है। और अगर हम सारे आई वेरिएबल की रेंज को भी देना चाहते हैं तो वो सेम एज हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें यहाँ पर प्रिंट को यूज़ करते हुए उसे डिस्प्ले कराना होगा। कंट्रोल एस से हम इसे सेव कर देते हैं और चलाते हैं इसको F5 से। आप देखेंगे सीक्वेंस पूरा आ चुका है 1 to 10, और लास्ट में हमें दिख रहा है सम ऑफ 10 नंबर 55। अब अगर यहाँ पर कंडीशन की बात करें कि हमें ऑड नंबर चाहिए, तो आपको पता है 1 से हमें स्टार्ट करना है, स्किप ऑर्डर 2 कर लेंगे तो ऑड नंबर पे आएगा क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर ऑड है, तो हमें ऑड नंबर मिलने वाले हैं। और हमें जो लूप चलाना है 21 तक, 1 से लेकर 20 तक के जितने भी ऑड नंबर हैं उनको हमें सम करना है, सम ऑफ ऑड नंबर अप टू 20। ये हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया है, कंट्रोल एस से हमने इसे सेव कराया और F5 से हमने इसे रन कराया। आप देखेंगे नीचे सम आ चुका है 100। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। और अगेन अगर हम यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 से स्टार्ट करने पर हमारे सारे के सारे इवन नंबर हमें मिलने वाले हैं, यही क्वेश्चन रहेगा, बस हमें थोड़ा सा मैसेज में थोड़ा सा चेंजेस करना है, सम ऑफ इवन नंबर, कंट्रोल एस से हमें इसे सेव करते हुए F5 से इसको रन कराना है। तो आप देखेंगे ये हमारे आ चुके हैं इवन नंबर का सम। तो नॉर्मली हमने अभी सारे सम देख लिए हैं, सिंपल सम हमें करना है अगर ऑड नंबर का करना है या इवन नंबर का करना है। अब सपोज हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे जो भी नंबर आते हैं उनके स्क्वायर का सम करना है, तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आई मल्टीप्लाई आई कर देना है, इसका मतलब जो भी स्क्वायर है वो सम में जाता रहेगा, स्क्वायर को ही हमें डिस्प्ले कराना है, और सम ऑफ स्क्वायर नंबर अप टू 10, ये हमने थोड़ा सा मैसेज यहाँ पर बदल दिया है। कंट्रोल एस से हमने इसे सेव करा, F5 से रिफ्रेश कराया, ये हमारे 1 से लेकर 10 तक के सारे स्क्वायर आ चुके हैं और इनका सम आ चुका है 385। अगर क्यूब की बात करें तो हमें बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, आई मल्टीप्लाई आई 3 बार तक हमें क्यूब बनाने के लिए, और सम ऑफ क्यूब नंबर अप टू 10
F5 से रिफ्रेश कराना है और ये देखिए हमारा आ चुका है 1 to 10 तक का क्यूब का सम। तो ये क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस करे थे 8, 9, 10, 11 एंड 12। 13 नंबर है कि हम जो भी नंबर डालें वहाँ तक के हमारे नंबर डिस्प्ले हो जाए वहाँ तक के। अब आपको पता है रेंज के अंदर जो सेकंड पैरामीटर है वो एक कम तक चलता है, तो जहाँ तक हम नंबर डालें वहाँ तक दिखाने के लिए हमें एक जोड़ना पड़ेगा। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर एक और प्रोग्राम फाइल हम बना देते हैं, यूज़र से हम एक नंबर डलवा रहे हैं, नंबर हमें डलवाना है इंटीजर टाइप में और इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने एक मैसेज दे दिया है एंटर नंबर, और ये नंबर जो भी हम डालेंगे वो एन में जाएगा। अब हमें क्या लेना है, एक सीक्वेंस बनाना है फोर लूप से, फोर आई इन रेंज एक से स्टार्ट करना है और जो भी नंबर हम डालेंगे उसके एक आगे तक यानी कि अप टू तक जहाँ तक हम नंबर डालेंगे, और कॉलन सिंबल लगाते हुए हमें उसे करा देना है प्रिंट। प्रिंट कराने के बाद कंट्रोल एस से हमने इसे सेव करा दिया है और F5 से करा दिया है रन। सीधे हमने नीचे की तरफ कुछ नंबर मांग रहा है, हमने नंबर डाला है यहाँ पर 13 और आप देखेंगे 1 से लेकर 13 तक के नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 के आसपास था जो हमने अभी डिस्कस करा, 13 था। 14th क्वेश्चन हमारा है कि हमें इस तरीके से टेबल को डिस्प्ले कराना है, यानी कि जो भी नंबर डाला जाए वो इस तरीके से डिस्प्ले हो। अगर 2 डाला जाता है तो 2 into 1 = 2, 2 into 2 = 4। तो ये जो पहला नंबर है वो n है, दूसरा जो हमारा मैसेज है मल्टीप्लाई का, तीसरा हमारा आई लूप है, इक्वल हमारा एक मैसेज है, और ये जो लास्ट में है वो हमारे नंबर की मल्टीप्लाई है लूप के साथ। तो आइए इसको भी कर लेते हैं उसी प्रोग्राम के अंदर ही चेंजेस थोड़ा सा। यहाँ पर हम जो भी नंबर डाल रहे हैं वहाँ तक का नंबर हम चला रहे हैं, 10 तक पहले हमें लेना है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 11, क्योंकि नंबर तो हम कुछ भी डालेंगे उसकी टेबल हमें दिखाना है सबसे पहले। तो नंबर जो डाला जा रहा है वो हमें देखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का मैसेज या एक्स एक मैसेज डाल सकते हैं, उसके बाद हमें वो नंबर का सीरीज दिखाना है जो कि आई में है, देन उसके बाद हमें डबल इन्वर्टेड में मैसेज देना है इक्वल का, और फाइनली हमें हमारे नंबर की मल्टीप्लाई उस आई के साथ कर देना है। कंट्रोल एस से हमने इसे सेव कराया, F5 से रन कराते हुए सपोज हमने 12 डाला तो ये देखेंगे आप 12 की टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। इसी तरीके से जो भी नंबर हम डालेंगे वो इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। जो 12 हमें दिखाई दे रहा है वो हमारा एन नंबर है, 1, 2, 3, 4 ये हमारा लूप है, और लास्ट में हमारा नंबर की मल्टीप्लाई लूप के साथ। अब फाइनली हमारा जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 15, जो भी नंबर हम डालें उसका फैक्टोरियल हमें दिखाना है। फैक्टोरियल से मतलब जो भी नंबर हम डालेंगे उससे पहले तक के सभी नंबरों की मल्टीप्लाई, ये हमारा फैक्टोरियल निकालने का मेथड है। तो इसका मतलब हमें लूप चलाना है एक से लेकर उस नंबर तक, और किसी एक वेरिएबल में सपोज एफ वेरिएबल में हमें उस सीरीज की मल्टीप्लाई को करा देना है। इस स्टेप में पहले स्टेप पे जो आएगा वो नंबर, फिर मल्टीप्लाई हमारी सीरीज का नंबर, इस तरीके से सारे प्रोसेस जब हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो फाइनल में जो नंबर बचेगा वही हमारा फैक्टोरियल है। सपोज पहले स्टेज पे हमारा जो फैक्टोरियल में एफ है उसे हम 1 इनिशियलाइज करके चलते हैं, 1 into 1 हमारा पहली स्टेज में निकल के आएगा 1। दूसरी स्टेज में एफ में 1 है और आई में होगा 2, तो उस केस में हमारा निकल के आएगा 1, 2 जा 2, तो एफ हमारा अब 2 है। तीसरी स्टेज पर क्योंकि नंबर हमने 5 तक डाला है तो तीसरी स्टेज पर हमारा एफ में है 2 और आई में होगा 3, 2, 3 जा 6। अब F में हमारा 6 आ चुका है, फोर्थ स्टेज पे हमारा नंबर डाला जाएगा, फोर्थ स्टेज पे हमारा नंबर डाला जाएगा तो होगा 6 into 4, अब वो होगा 24। और फाइनली फिफ्थ पोजीशन पर जो कि लास्ट है, 24 तो F में है ही, हमारा जो I में होगा वो होगा 5, तो 24 5 जा 120, तो जो लास्ट में नंबर बचा है वही हमारा फैक्टोरियल है। इसको कोड में देखते हैं,
एक प्रोग्राम फाइल हम फिर से बना देते हैं। फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक एफ वेरिएबल में 1 रखा है और एन में हम कोई नंबर इनपुट करा देते हैं, एंटर नंबर। और इसका हमें टाइप भी दिखाना पड़ेगा, इंटीजर या ईवेल फंक्शन जो भी हम यूज़ करेंगे उसका। यहाँ पर एन में वेरिएबल चला जाएगा, एन में वैल्यू चला जाएगा। अब हमें जो लूप चलाना है वो चलाना है उस नंबर तक का जो एन तक डाला गया है। तो 1 से लेकर एन प्लस 1 तक का हमने एक सीक्वेंस बना दिया है और इसके अंदर एफ में हमने इस सीरीज़ की मल्टीप्लाई करा दी है। तो फाइनली जो नंबर आएगा लास्ट में वही हमारा फैक्टोरियल होगा। और फैक्टोरियल इज मैसेज देते हुए हमने उस एफ़ की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। यहाँ पर हमने फैक्ट नाम से इसको सेव करा दिया, F5 से रन मॉड्यूल कराया और नंबर नीचे की तरफ हमने डाला 5। और आप देखेंगे फैक्टोरियल आ चुका है 120। इसी तरीके से हम कोई और भी यहाँ पर डालते हैं जैसे 4, तो 4 का आएगा 25। तो ये थे हमारे फोर लूप से कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप से रिलेटेड प्रोग्राम्स को सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।